हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं शिमर, आप सबका स्वागत करता हूं अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठिकाना। सो गाइस, और एक नया डेस्टिनेशन में जाने के लिए निकल गए पठानकोट से। और ये जो गुरुद्वारा है काफी सुंदर है, और यहाँ का लोग का मतलब भाई बहुत अलग लेवल का रेस्पेक्ट करते हैं यार। मतलब बहुत ही अच्छा था इस गुरुद्वारा का, जितना भी स्टाफ है बहुत ही अच्छा था। और ये गुरुद्वारा एक्चुअली क्या है ना, एक विलेज में है पठानकोट, और विलेज भी काफ़ी बहुत सुंदर है। क्योंकि भाई आज भी 100 किलोमीटर जैसा कवर करना है, लेकिन आज तो मज़ा आएगा क्योंकि रूट जो है ना प्लेन रूट है, और अभी मुझे नहीं लगता है मिलेगा ऐसा कोई अप एंड डाउन। सो चले, लेट्स गो एंड लेट्स सी। भैया जी, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोनू सिंह है। तो भाई भी मेरे साथ अभी ऑल इंडिया टूर करने वाला है स्प्लेंडर लेके, और इस जगह का नाम है क्या बताया आपने? दीनानगर। ये जगह का नाम है दीनानगर, और यह से 90 किलोमीटर जैसा है अमृतसर। 90 किलोमीटर होगा ना, नहीं 80 किलोमीटर, सॉरी मैं आगे 88 देखा था, तो 8 किलोमीटर तो कवर हो चुका है। और यह से 80 किलोमीटर जैसा है अमृतसर। और तब और एक भैया मिला, मतलब भैया भी देखो बाइक लेके मेरे साथ ऑल इंडिया टूर करने चल रहे हैं। तो कहाँ तक जाएंगे आप? आपके साथ चलते हैं। तो चलिए, तो गाइस आप लोग भी चलिए, चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि भाई कहीं से मतलब कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तो भाई निकल ही गया, तो चलो पहुँचते हैं नया डेस्टिनेशन में। तो गाइस अभी एक जगह पे रुका, क्योंकि मेरा साथ है तो सर जी, सत श्री अकाल सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, पंजाब पुलिस की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर जी। मैं तो आपको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप पूरा इंडिया घूम रहे हैं, आपको पता चल जाएगा आप कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं और उनका जो वातावरण है कैसा है। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो आप जहाँ जहाँ घूमते हैं लोगों को अवेयर भी कीजिए वातावरण के प्रति, और जो भी है लोगों को अच्छे कामों के प्रति जो है ना अवेयर कीजिए। तो गाइस अभी मैं खुद को एक चैलेंज दिया, चैलेंज क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अमृतसर और 52 किलोमीटर है, और मेरे को 3 बजे पहुँचना है कैसे भी करके। और ये यही मेरा चैलेंज है कि 4 घंटे का अंदर अंदर मेरे को और 50 किलोमीटर कवर करना है, और अभी 11 बज रहे हैं। तो चलो चलते और देखते हैं, आज जो चैलेंज खुद को दिया 4 घंटे का अंदर या 3 घंटे का अंदर 50 किलोमीटर कवर होता है या नहीं। सो लेट्स गो। फाइनली गोल्डन टेम्पल पहुंच गया हमें अमृतसर, और बस अंदर आके भाई इतना रश देख रहा हूँ ना, लाखों लोग भाई बहुत दूर दूर से आए हैं गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए यार। सो गाइस, बहुत कुछ करने के बाद फाइनली जगह रूम मिला गुरुद्वारों में,
और ऐसा जगह पे रूम मिला ना भाई, मतलब मेरे को क्या, अगर आपको भी ऐसा रूम मिल जाएगा ना, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे भाई 100 में आप 200 दे दोगे, लेकिन क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दरवाजा ओपन किया, ओपन करते देखिए अंदर से, मतलब रूम का अंदर से जो गोल्डन टेम्पल का जो व्यू है भाई, ऐसे दिखाई देता है। वेट, गोल्डन टेम्पल का जो व्यू है ना भाई, मेरा रूम से दिखाई देता है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरा, ये देखिए मेरा सामने है गोल्डन टेम्पल माता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस क्या है ना, मैं कल शाम को 5 बजे आ गया था गोल्डन टेम्पल, और क्या है ना आके रूम मिलते मिलते भाई 8 बज गया रात को, और फिर खाना खाते खाते 9 बज गया, और तबीयत भी थोड़ा सा खराब लग रहा था, इसके वजह से मैं वीडियो एडिट भी नहीं किया, क्योंकि मैं भी सोचा कि चलो कल जाऊँगा बाघा बॉर्डर, और फिर दोनों एक साथ जोड़ के मैं पंजाब का एक एक ब्लॉग अपलोड करने वाला, और फिर धीरे धीरे पंजाब से निकलना है, निकल के जाना है दिल्ली की तरफ। क्योंकि गाइस देखो, अमृतसर में भाई डेली लाखों से ज़्यादा लोग आते हैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जो भी है, और उतना लाखों लोगों का बीच में आप टेंट कहाँ लगाओगे। इसीलिए कोई होटल में अभी नहीं हूँ मैं, एक्चुअली ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में हूँ अभी। कैसे भी हल में मतलब बहुत हेल्प मिला, या फिर रूम मिल गया, और जहाँ पे यार रूम मिला ना यार, मैं क्या ही बताओ यार, टोटल स्पीचलेस। मतलब कल सोते सोते मैं गोल्डन टेम्पल ही देख रहा था, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए गोल्डन टेम्पल। सो चलिए चलते बाघा बॉर्डर और आके घूमते गोल्डन टेम्पल। तो चलिए तो भाई अभी धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ, और भाई बहुत ही रश है यहाँ पे, लाखों से ज्यादा लोग होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, मात्रम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, क्योंकि भाई अंदर आप क्या है ना, आप मोबाइल और कैमरे लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप लोग का चार्जर और जो कुछ भी है बाहर लॉकर मिलता है, और नहीं तो कार में भाई आप छोड़ के आ सकते हो, अंदर अलाउड नहीं है। सो चलो अभी भाई बहुत जाम लगा हुआ है, मेरा हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। सो चलो लेट्स गो, लेट्स सी, देखते क्या होता है। तो गाइस अंदर इतना गर्मी है ना, क्या बताओ, साइकिल चला चल ऐसे भी काला हो चुका हो, और ऊपर नीचे गए थे सबसे पहले आके, और फिर क्या ना बाइक बहुत मतलब धूप इतना चिलचिला रहा है ना, उसको वैसे फिर रिटर्न ऊपर आया, और अभी बस थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब सिंगिंग वगैरह कुछ चल रहा है अभी, और कुछ मिनट बाद मतलब जो पैरेड होना, जो पैरेड शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बस वेट कर रहा हूँ, और इतना लोगों का भीड़ है क्या बताओ, देख लीजिए सबसे पहले एक बार।
अभी बस धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। एक्चुअली सिख का मतलब सबसे फेमस मंदिर है आप बोल सकते हैं। तो क्या है ना, बहुत ही जगह पे भी बहुत रश है, मतलब डेली है ना भाई लाखों से ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं मतलब गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। और बस मैं भी आज जा रहा हूँ, मेरे को भी मतलब बहुत पहले का मतलब एक ऐसा था कि मैं भी एक ना एक दिन आऊँगा यार गोल्डन टेम्पल, मेरे को भी देखना है। सो इतना रश देख के तो भाई सर घूमने लगा यार। सो चलिए गाइस चलते हैं गोल्डन टेम्पल का अंदर और जाके गोल्डन टेम्पल दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। और आप लोग तो जानते हैं गोल्डन टेम्पल क्या है क्या नहीं है। गोल्डन टेम्पल है भाई सिख धर्मियों का मतलब एक पवित्र मंदिर है और सबसे फेमस मंदिर है, और जिस मंदिर को देखने के लिए भाई बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, और जैसे कि मैं भी आया मतलब बहुत दूर से आया। सो चलिए चलते हैं। तो मेरा रूम जहाँ पे है बस परिक्रमा करके रूम में आ गया, और रूम से मतलब दिखाई दे रहा है गोल्डन टेम्पल। लेकिन क्या है ना यार, अंदर मतलब मैं वीडियो किया था गोल्डन टेम्पल का लेकिन मना कर रहे, एक्चुअली परमिशन नहीं है वीडियो करने का, लेकिन फोटो खींचने का मतलब परमिशन है जो भी है। लेकिन बस बहुत मज़ा आया, और आप लोग देखिए कितना सारे लोग है यार मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी जाऊँगा लंगर, और लंगर में कितना लोग है आप लोगों को दिखाऊँगा। चलो बस देखिए भाई रात को मतलब कितना मस्त लगते हैं, लेकिन लोगों का भीड़ जो है ना खत्म ही नहीं हो रहा है यार। बस मैं अभी लंगर जा रहा हूँ, और अभी रात का 10 बज रहे हैं, और अभी देखो कितना भीड़ है यार। देख लीजिए गाइस इस लंगर में भी मतलब कितना भीड़ है यार, मतलब डेली इस लंगर में ना लाखों से ज़्यादा लोगों के लिए ना प्रसाद बनता है। और यहाँ पे भी मैं अभी आया लंगर चखने के लिए, और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, मतलब देख लीजिए कितना रश इस जगह। और प्रसाद भी यार यहाँ का मतलब बहुत ही टेस्टी होता है यार। अमृतसर आओ और लेके लंगर चख के जाओ यार, बहुत मस्त लगता है। सो है गाइस गुड मॉर्निंग, इसलिए कि मैं कल रात एंडिंग शूट नहीं किया, और अभी सुबह के 6:30 बजे में अभी एंडिंग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल एडिट करते करते मेरा मोबाइल हो चुका है डिस्चार्ज, उसका वजह से मैं एंडिंग शूट नहीं कर पाया। लेकिन अभी देखो सुबह का टाइम, मतलब रूम से निकल के यार गोल्डन टेम्पल देख देख के मैं अभी एंडिंग शूट कर रहा हूँ। ये जो मोमेंट है ना भाई जिंदगी में भूल नहीं सकते। और सीरियसली यार 2 दिन से मतलब सुबह उठ के गोल्डन टेम्पल, मतलब बाहर जाओ गोल्डन टेम्पल, बिस्तर पे आप सो के भी गोल्डन टेम्पल, भाई उससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। इतना पवित्र स्थान में दो दिन से मतलब स्टे कर रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं यार, उम्मीद करता हूँ आज का जो ब्लॉग है ना आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके बताना मैं गलती क्या कर रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया ना, फॉलो भी कर लिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाओ और फॉलो करो। सो चलिए गाइस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। चलिए